For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. My name is Dr. Faiza Malik. I am a gynecologist and obstetrician. और मुझे पिछले 30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए. मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 30 इयर्स है. और मैं दाता दरबार हॉस्पिटल में चीफ गायनेकोलॉजिस्ट थी और प्लस थी एमएस ऑफ द हॉस्पिटल. अब मुझे रिटायर हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं. और इस फील्ड में मैंने अपने हॉस्पिटल में इंडिपेंडेंटली काम किया है और बहुत कम फैसिलिटीज़ के अंदर. बट मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इतना डिफ़िकल्ट और इतनी मुश्किल काम किए हैं कि जो शायद टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी ना होते हों. मुझे ये गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की जो प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है और मैं खुशी से ये काम करती हूँ. मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये मेरे पे एक बोझ है. जहाँ तक ताल्लुक़ है औरतों की प्रॉब्लम्स का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो औरत एक फ़ेस करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें ये होता है कि एक तो उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत होती हैं. हमारे मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडरनरिश्ड और उसकी वजह से ये है कि उनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. लेकिन वो भी इतने ज़्यादा इससे एसोसिएटेड विद गुड न्यूट्रिशन से नहीं है. प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे लोगों की साइकी बहुत जो है उसको वो इस चीज़ पे गौर नहीं फरमाती. जैसे कि अब न्यूली मैरिड कपल है, वो अभी हार्डली 1-2 महीने होते हैं तो दे कम के जी हमारे तो बच्चा नहीं हो रहा. देखिए अब इसका ये कोई इशू नहीं है कि उनको हम अंडरगो करें कि जी मुश्किल किस्म के औजार इस्तेमाल उनके ऊपर करें और उन पर टेस्ट करें. मिनिमम पीरियड जो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 1.5 ईयर्स हैं और उसमें भी शर्त यह है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हों. अक्सर औकात ये होता है कि मियाँ कहीं रह रहा होता है, बीवी कहीं होती है और जी आ जाते हैं जी बच्चा नहीं हो रहा. तो और मेरी प्रैक्टिस में मैंने हमेशा ये किया है कि क्योंकि औरत के ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं इनफर्टिलिटी के, वो बहुत मुश्किल होते हैं और वो इन्वेसिव टाइप के होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि आप मेल्स के जो सिंपल टेस्ट होते हैं वो करवा लें, ताकि ये होते हैं कि फीमेल्स को प्रॉब्लम्स ना हो. और वैसे भी एक जो ईगो प्रॉब्लम्स मेल में होती है वो भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि सास बहू को तंग बहुत करती है और उसमें उसको ये नहीं कई दफ़ा पता होता कि उसके अपने बेटे में ही प्रॉब्लम्स हैं. उसके अलावा ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ काउंट ज़रूर करती हैं, क्योंकि हमारे जो आवाम है, हमारी रियाया जो ज़्यादातर है वो एनीमिक है. एनीमिक है, उसमें खून की कमी होती है. अब वो अगर कंसीव भी कर लें तो उनकी प्रॉब्लम्स और चल पड़ती हैं. इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाती है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाती है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो हमारी ख़वातीन एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, ताकि उनका जो फ्यूचर है, फ्यूचर उनका मतलब ये है, हमारे मुल्क में एक कंसर्न होता है फ्यूचर के, वंस एक लड़की जब जवान होती है तो उसकी शादी होनी है और उसका फ्यूचर शुरू होता है. ऑल दो प्रेजेंटली आजकल लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं और वो बहुत समझदार हैं, बट स्टिल हमारी जितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है और अनएजुकेटेड है, उसमें हमें ये चीज़ों पे ज़ोर डालना पड़ेगा. अच्छा जी, दूसरे एक अहम इशू जो हमारी औरतों में वो जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, उसमें ये होता है कि पर्सनल हाइजीन पे कोई ज़ोर नहीं होता. अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जैसे जब पीरियड्स आते हैं बच्चियों को, आम लफ्ज़ में या हमारे जो रिवाज में जो औरतें एक दूसरे को ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो पीरियड्स नहीं करती, वो कहते हैं कपड़े आए हैं. तो अब कपड़े आए का मतलब होता है कि द टाइप ऑफ पैड व्हाट दे आर यूजिंग. अब पैड में मैं तो नहीं ये कहूँगी कि ये पैड यूज़ करें वो, बट इट शुड बी अ क्लीन थिंग वट एवर दे यूज़, चाहे कपड़ा यूज़ करें चाहे पैड यूज़ करें, क्योंकि इससे इम्पैक्ट एक जनरल हेल्थ पे फीमेल पे बहुत ज़्यादा होता है. अगर इन्फेक्शन शुरू हो तो वो नीचे से रिट्रोग्रेड का मतलब है कि नीचे से ऊपर जाएगी, उससे वजाइनल इन्फेक्शन्स होंगी, उसका उसको यूटीआई प्रॉब्लम्स होंगी, फिर
अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी, ट्यूब्स क्लोज हो सकती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल इशू विद द पर्सनल हाइजीन जो आ रहा है वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज़ पर्सनल हाइजीन ऑल्सो. तो सर्वाइकल कैंसर की एक ये बड़ी आम फैमसी और आम क्लिनिक्स पे जो हमारे हॉस्पिटल्स में जनरल आउटडोर्स में उसमें आप हर एक को ये चीज़ मतलब नॉर्मल भी इवन न्यूट्रिशनिस्ट भी ये आप एक आम औरत को समझा सकते हैं कि आपकी पर्सनल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर तो इट स्टार्ट्स विथ योर पर्सनल हाइजीन. और फिर है कि वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 35 उसको एडवाइस करें कि इफ़ शी हैज़ गॉट सम एब्नॉर्मल डिस्चार्ज जा रहा है या कुछ हो रहा है तो पैप स्मेयर्स ईयरली करवाएं ताकि वो उसकी तशखीस आसान हो सके और वो उस मुश्किल में ना पड़े जो कि सर्वाइकल कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हैं. और इसके अलावा एक आम औरत की हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं. बिकॉज एक औरत जो है उसने पूरा घर देखना है, उसने बच्चे पालने हैं, तो वो यूजुअली अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती. लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी पूरी रियाया और उसके हस्बैंड्स और इर्द गिर्द के सारे घर वाले एक औरत का ख्याल करें ताकि वो अच्छी डाइट ले, अच्छा बच्चा भी हेल्दी पैदा करे और हेल्दी चाइल्ड ही आगे फ्यूचर का आपका मेमार बनेगा, मुल्क का मेमार बनेगा. तो सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, काउंट करती हैं. तो ये बहुत छोटी छोटी लेकिन इनके ऊपर स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है. हमारी यंग फीमेल्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं कि वो पीरियड्स पेन के लिए बहुत वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और बड़ा मिसयूज़ एनल्जीजिक का होता है. बट एक बात है कि माएँ अपनी बच्चियों को एटलीस्ट ये तो समझा सकती हैं कि ये कुछ चार पांच चीज़ें हैं जो पीरियड्स में होती हैं, जैसे ब्रेस्ट पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, समटाइम्स कई बच्चियों को वॉमिटिंग भी होती है, हेडेक भी होती है. तो दिस इज़ अ नॉर्मल हैपनिंग, दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़. सो इसके लिए हमें उसको जनरल ट्रीटमेंट देनी चाहिए. उसमें ये है कि जैसे लोअर एब्डोमिन पेन है तो आप उसको हॉट वाटर बॉटल दे दें, सर में दर्द होगी अगर वॉमिट होगी तो उसके लिए एंटीबायोटिक सिंपल सी दे दें, बट कोशिश करें कि उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा करें. बिकॉज वो समझती हैं बच्चियाँ कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, बट ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं इसमें होती. और बेस्ट ये होता है कि और साथ माओं को चाहिए कि बच्चियों को ये बताएं कि जो वो पैड्स यूज़ करें वो साफ़ सुथरे और हेल्दी करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ें. और इसके अलावा जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी औरतों को थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है बिटवीन वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. इसमें भी अब अगेन थोड़ा सा ब्लेम है कि हमारे मेल्स जो हैं दे डोंट बॉदर कि भी एक औरत की हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है. वो एक बच्चे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये हेल्दी नहीं है बिकॉज उस औरत को इतना स्पेस और टाइम ही नहीं मिला कि वो रीगेन करे अपनी हेल्थ. सो इस चीज़ के ऊपर भी स्ट्रेस करना चाहिए कि स्पेसिंग जो है और बर्थ कंट्रोल पिल्स दे हेल्प वेमेन इन गेटिंग चांस टू हैव अ गुड हेल्थ. सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम प्रेगनेंसी को तो डील करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछ रहे हैं कि डिलीवरी की क्या है, सी सेक्शन की क्या है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब एक माँ डिलीवर करती है बच्चा तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उसको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बच्चा. और ये उसके दिमाग में डालना चाहिए कि एक तो ये दिस इज़ द सबसे आसान तरीका है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी, बच्चे की जो रिलेशनशिप विद द मदर वो डिवेल्प होगी और इसमें सारी न्यूट्रिशंस उसको बच्चे को मिलेंगी. क्योंकि जो दूसरा दूध आप लेते हैं उसमें हमें पता नहीं कौन से केमिकल्स डाले होते हैं. और आजकल हम ये कहते हैं कि नई सी नई बीमारियां आ गई हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ही यही है कि हम जो नेचुरल चीज़ को छोड़ के हम दूसरी चीज़ पे चल पड़ते हैं. तो ये नुकसानदेह बच्चे के लिए भी है और माँ के लिए भी है. और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आखिर में बताना चाहूँगी कि ये हमारे मुल्क में एक कज़न मैरिज इज़ वेरी वेरी कॉमन स्टिल. ऑल्दो हम इतनी एजुकेशन कर चुके हैं, एजुकेटेड फीमेल्स दे नो एवरीथिंग, बट स्टिल बिकॉज एक वो जो हमारी फैमिली टैबूज चल रहे होते
ہیں کہ جی خاندان میں ہی کرنی ہے, تو وہ خاندان کی کچھ ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں پشت در پشت, اور وہ ضروری نہیں کہ پتہ چلے فرسٹ جنریشن کو, وہ تھرڈ جنریشن میں آ جاتی ہیں جیسے تھیلیسیمیا میجر مائنر. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ادھر بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے پیرنٹس کی, ہمارے جو اباؤ اجداد جو پریزنٹ ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. اب ایک اپاہج بچے کو آپ لے کے پھریں گے تو آپ کی اپنی بھی زندگی کچھ نہیں ہوگی, اور جو بچہ آلریڈی اس دنیا میں آ چکا ہے اس کے لیے کیا ہو. اگر آپ مجھے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, تو آپ مرم کے پلیٹ فارم پہ آ کے ان سے میرا کانٹیکٹ نمبر لیں, اور آپ وہ مجھے آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے کے دیں گے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ میری ایڈوائز سے اور میری ٹریٹمنٹ سے مستفیض ہوں گے.